तो दोस्तों आपका स्टेयरिंग ऐसा थोड़ा क्रॉस है और गाड़ी जो है वो सीधा चल रहा है, दैट मीन्स आपका अलाइनमेंट आउट है। आपने अगर स्टेयरिंग सीधा पकड़ा है और गाड़ी लेफ्ट या राइट में जा रही है, उसमें भी आप बोल सकते हैं कि आपका अलाइनमेंट आउट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अलाइनमेंट अच्छा है या ख़राब है। अगर आपका लेफ्ट या राइट पुल हो रहा है या आपका स्टेयरिंग क्रॉस है तो आप ज़रूर उसका अलाइनमेंट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों आज के मज़ेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, रवि भाई व्हील अलाइनमेंट होता क्या है, व्हील अलाइनमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एग्जैक्टली व्हील अलाइनमेंट होता क्या है, व्हील अलाइनमेंट के क्या बेनिफिट्स है, व्हील अलाइनमेंट कैसा किया जाता है और व्हील अलाइनमेंट राइट ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अपने गाड़ी में, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले दोस्तों समझते हैं व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। हर एक मैन्युफैक्चरर दोस्तों व्हील अलाइनमेंट का एक एंगल सेट करता है। व्हील अलाइनमेंट में तीन चीज़ें होती है, एक होता है केम्बर, एक होता है कास्टर और एक होता है टो। मोस्टली 95% गाड़ियों में जो टो का अलाइनमेंट होता है टो को ही सेट किया जाता है। कुछ गाड़ियाँ जैसे इनोवा है, फॉर्चूनर है या कुछ पुरानी वाली स्कॉर्पियो है, उसमें आपको केम्बर, कास्टर और टो का तीनों का सेटिंग होता है। तो हम लोग एक एक एंगल्स को समझेंगे आज। तो दोस्तों बॉडी के हिसाब से हम लोग समझते हैं अलाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। मान लो अगर आपको दौड़ना है तो आप क्या करते हो, ऐसा करके दौड़ते हो जो शोल्डर है उसके लेवल में आपके लेग्स होते हैं, उस हिसाब से आप दौड़ते हो। मान लो अगर आप थोड़ा गैप कर रखोगे पैर में और ऐसा दौड़ना चालू करोगे तो आप प्रॉपर दौड़ नहीं पाओगे, आपको परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा या कहीं ना कहीं आपको जॉइंट पेन होगा या कहीं ना कहीं आपको कमर में दर्द होगा। तो वैसे ही दोस्तों अलाइनमेंट का होता है, जो एंगल कंपनी ने रिकमेंड किए होते हैं उसी एंगल पे गाड़ी के व्हील्स होने चाहिए तो ही आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है। अगर मैं दोस्तों ऐसा खड़ा हूँ और दौड़ने को ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा जो बेस है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ऊपर का बॉडी जो है ये स्टीफ हो जाता है, ये ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाता है। तो सिमिलरली अगर कार में अलाइनमेंट में अगर प्रॉपर एंगल जो दिए रहते हैं मैन्युफैक्चरर ने, उस हिसाब से अगर उसको सेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी का वेट और ये है ये प्रॉपर फ्लिक होगा और अच्छा मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा। तो यही ऐसा ही तो यही चीज़ अप्लाई होती है दोस्तों अलाइनमेंट के अंदर। समझेंगे केम्बर क्या होता है, फिर बाद में समझते कैस्टर क्या होता है और बाद में समझते टो क्या होता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा क्या क्या बेनिफिट्स अलाइनमेंट रेगुलर इंटरवल पे करने से होते हैं। दोस्तों हर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अलग अलग एंगल्स देता है व्हील्स के लिए। तो जैसे टो के लिए अलग एंगल होता है, केम्बर के लिए अलग एंगल होता है, कास्टर के लिए अलग एंगल होता है। तो उस एंगल पे ही हमको उसका अलाइनमेंट सेट करना होता है। अभी क्या एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, निगेटिव एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करेंगे दोस्तों केम्बर के बारे में। केम्बर जो होते हैं वो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सेटिंग होता है। निगेटिव केम्बर होता है, पॉजिटिव केम्बर होता है। पॉजिटिव केम्बर मतलब बाहर गया हुआ होता है, निगेटिव केम्बर मतलब टायर को अंदर लिया हुआ होता है। निगेटिव केम्बर में आपको जो कॉर्नरिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आप कॉर्नरिंग करते हो तब मैक्सिमम ग्रिप मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर प्रॉपर जो टायर है ये ग्राउंड को टच होगा तो ये मैक्सिमम ग्रिप, मैक्सिमम ट्रैक्शन आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप फोर्स में गाड़ी को चलाते हो तो आपको जो दोस्तों ये विजुअल्स दिख रहे हैं, विजुअल में आप देख सकते हो कि जो टर्न लिया है ये लिया है ज़ीरो एंगल में। तो ज़ीरो एंगल में देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रिप नहीं मिल रही है टायर को। लेकिन अभी यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा इसको निगेटिव में ले लिया, जैसा अंदर की तरफ ले लिया है, तो देखो ये मैक्सिमम कॉन्टैक्ट पैच मिल रहा है आपको कॉर्नरिंग के टाइम पे, जो ज़रूरी होता है। तो ये सारी सेटिंग्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था 95% गाड़ियों में केम्बर का सेटिंग नहीं होता है। मान लो आप अगर अलाइनमेंट करने जा रहे हो और आपका केम्बर कहीं ना कहीं आउट दिखा रहा है, दैट मीन्स आपके कुछ सस्पेंशन में इशू है, तो आपको वो मैकेनिक को दिखाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैस्टर के बारे में। कैस्टर जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी का। जब भी आप स्टेयरिंग को घुमाते हो और स्टेयरिंग जब वापस आता है और ये जो प्रोसेस है ये कैस्टर के थ्रू होती है। तो आपका अगर कास्टर जो प्रॉपर एंगल में सेट रहेगा तो आपका स्टेयरिंग ये एकदम इजीली वापस रिटर्न में आएगा। हम लोग लेंगे टर्न, यूटर्न। जब यूटर्न लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेयरिंग को घुमाते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टेयरिंग को घुमाया। अभी स्टेयरिंग को जब मैं वापस घुमाया है ये पूरा, अभी देखो मैं गाड़ी इसको छोड़ दूंगा ऐसा, यहाँ पे ये गाड़ी को यहाँ पे ऐसा छोड़ दिया, स्टेयरिंग जो है वापस आ गया जगह पे। ये काम जो है वो कास्टर का रहता है। तो कास्टर ये काम करता है, स्टेयरिंग को आपको वापस लेके आता है। अगर कास्टर का जो एंगल रहेगा वो निगेटिव में रहेगा या आपका जो कास्टर जो रहेगा ये मिनिमम जीरो पे रहेगा, स्टेयरिंग का सेंट्रल कंफर्ट रहेगा वो सही नहीं रहेगा, गाड़ी लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, तो वो एक दिक्कत देता है। कास्टर भी
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ही गाड़ियों में हम लोग सेट करते हैं, जैसे इनोवा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, या कुछ गाड़ियां हैं जिसमें हम लोग उसको सेट करते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है टो। दो टाइप के एंगल्स होते हैं टो के अंदर, इन टो और आउट टो। सो टो एंगल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है ये तीनों एंगल में से। तो आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देख सकते हो कि कैसा है टो इन टो आउट, ये दो एंगल होते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। जो टो आउट होता है, टो आउट के अंदर यूजुअली आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है जब आप टर्न करते हो, लेकिन जो सेंटर पोजिशनिंग होती है ये सही एक्यूरेट नहीं होती है टो आउट में। लेकिन टो इन में रहेगा तो टो इन में आपका सेंटर पोजिशन ये है, ये प्रॉपर एक्यूरेट रहता है। स्टेयरिंग जो है अनइवन खड्डे में जाता है, अनइवन रोड पे आपकी जब गाड़ी चलती है तब ये गाड़ी को स्टेबल करने का काम करता है। तो इन एंगल होता है ये मिनिमम वेयर करता है आपके टायर का, और काफ़ी अच्छा टायर लाइफ देता है, अनइवन वेयर नहीं करता है। तो इन टो आउट टो में क्या होता है, और एक जो होता है ये स्ट्रेट टो रहता है। तो इन टो में क्या होता है कि जैसे टायर को आप अंदर में रखते हो तो जब भी आप गाड़ी को स्ट्रेट करते हो, छोटे मोटे खड्डे रहते हैं, तो स्टेयरिंग जो है आपका लेफ्ट राइट करता है, तो आपके टो ये प्रॉपर सेट रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो खड्डों में या कच्चे रास्तों में भी गाड़ी जो है ये स्ट्रेट चलता रहेगा। टो आउट रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो कंफर्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका इशू ये है जब टो आउट होते हैं तो टायर वर्न आउट ज़्यादा होता है। लेकिन ये कुछ गाड़ियों में टो आउट जो रहता है वो भी उस गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के हिसाब से होता है। जैसी कुछ गाड़ियाँ पोर्श केन वगैरह हो गई जो या कुछ गाड़ियाँ जो होती है जो स्पीड ट्रैक्स के लिए होती है, या कुछ गाड़ियाँ जैसे टेम्पो वगैरह है, टेम्पो के अंदर इनर टो जो निगेटिव आउटर टो रहता है, पॉजिटिव कैम्बर उसका सेट किया रहता है। तो पॉजिटिव कैम्बर सेट करने का रीज़न जब उसके ऊपर वेट आता है तो वो सस्पेंशन सीधा हो जाता है। तो काफ़ी अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ियों के लोड के हिसाब से, गाड़ियों के वेट के हिसाब से, गाड़ियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका सेटिंग्स देते हैं। तो इन टो आउट टो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो रेगुलर इंटरवल पर आपका अलाइनमेंट करना ज़रूरी होता है। रेगुलर इंटरवल मतलब हम लोग रिकमेंड करते हैं या कोई टायर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रिकमेंड करता है कि एवरी 5000 किलोमीटर पे आपका अलाइनमेंट होना ज़रूरी होता है। अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। आज हमारे यहाँ पे आई है एक इनोवा अलाइनमेंट के लिए, तो क्या क्या सेटिंग्स हमने उसमें किए ये भी आपको दिखाता हूँ। मशीन जो यूज़ करने वाले हैं ये अलाइनमेंट के लिए वो है हंटर का HS222। खासियत दोस्तों ये है कि ये जो अडाप्टर्स है ये रिम्स के ऊपर या अलॉयज के ऊपर नहीं लगते, ये टायर के ऊपर माउंट होते हैं, तो उससे आपके अलॉयज में स्क्रैचेस आने के चांसेस नहीं होते। यूजुअली आप प्रीमियम कार शोरूम में जाओगे, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ में ये सब यही हंटर का मशीन यूज़ करते हैं। तो पहले हमको चूज़ करना है कौन से मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है ये, तो ये है टोयोटा। तो टोयोटा इनोवा हम लोग यहाँ पे उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे देखो चूज़ कर लिया है टोयोटा इनोवा डीजल, और टोयोटा इनोवा डीजल कार है ये। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाते हैं। सो हर OEMs के अलग अलग एंगल्स होते हैं हर चीज़ के, जैसा यहाँ पे देखो कैम्बर, लेफ्ट कैम्बर, राइट कैम्बर और कास्टर और टो, ये सब के अलग अलग एंगल्स होते हैं। तो हर मैन्युफैक्चरर के अलग अलग एंगल्स है उनके व्हीकल के हिसाब से। चेक करने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये जो है गाड़ी मूव फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा है, गाड़ी मूव फॉरवर्ड करने के बाद में ये अलाइनमेंट सही है कि नहीं ये चेक करेगा। ये जो कैमराज है ये रीड कर रहे हैं कार के टारगेट्स को, ले लिया गई, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो सिलेक्ट हो गई है। वैल्यू सिलेक्ट होने के बाद में स्टेयरिंग जो अभी कास्टर का मेजरमेंट लेगा, कास्टर जो होता है वो स्टेयरिंग रिलेटेड होता है। जब आप स्टेयरिंग जब टर्न मारते हो तो स्टेयरिंग आपका रिवर्स वापस में आता है, तो वो काम जो है वो कास्टर का करता है। कास्टर एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी अभी हम लोग चेक करेंगे कि कास्टर का कौन सा एंगल पर अभी सेट है। सिस्टम देखो सेंटर पर है, और सिस्टम अभी हमको बोलेगा टायर को लेफ्ट मूव करो, तो अभी हम लोग टायर को लेफ्ट मूव करेंगे। ले कास्टर का मेजरमेंट करने के लिए ये रोटरी प्लेट होती है जो टर्न प्लेट बोलते हैं जिसे, इसके पिंस निकाल लेना है और इसको सिस्टम के हिसाब से हमको मूव करना है। तो अभी जैसा सिस्टम देखो सेंटर पे है, और सिस्टम अभी हमको बोलेगा टायर को लेफ्ट मूव करो, तो अभी हम लोग टायर को लेफ्ट मूव करेंगे। ले टायर को देखो राइट में निकाला है, अभी हम लोगों को ये बोल रहा है स्ट्रेट करने के लिए, वापस अभी हम लोग स्ट्रेट करेंगे स्टेयरिंग को। सॉरी यहाँ से मिल जाता है आपको कास्टर का रीडिंग, तो ये कास्टर रीडिंग हो चुका है। अभी हम लोग स्टेयरिंग को सेंट्रल में लॉक करेंगे और फिर उस हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट है वो करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अलाइनमेंट में कितना आउट है। यहाँ पे दोस्तों हमको मिली है रीडिंग्स, ये जो है कैम्बर है, कैम्बर जो है सही पोजिशन में है, कास्टर मामूली सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो कास्टर को एडजस्ट करेंगे।
और टो जो है ये काफ़ी आउट है, तो टो को भी हम लोग सेट करेंगे। जब भी अलाइनमेंट करते हैं उसके पहले हमको स्टेयरिंग को लॉक करना होता है। स्टेयरिंग को लॉक करने का रीज़न ये होता है कि जब नीचे से हम लोग कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो स्टेयरिंग ऊपर में मूव ना होए। तो ये जो रॉड दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं बोल्ट जॉइंट। यहाँ से होता है टो का सेटिंग। सो यहाँ से हम लोग खोलते हैं और यहाँ से टो को एडजस्ट करते हैं। ये जो है इनोवा का, ये है कैम्बर का सेटिंग। जो शॉकअप्स है तो आपको पॉजिटिव कैम्बर नेगेटिव कैम्बर जब करना होता है यहाँ से सेटिंग होता है। और जो कास्टर है जो आउट है वो होता है यहाँ से, ये देता है आपका स्टेयरिंग का, यहाँ से स्टेयरिंग का सेटिंग। तो कास्टर जब स्टेयरिंग रिटर्न आता है उसका काम करता है कास्टर। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, सारे रीडिंग्स प्रॉपर हो गए हैं। तो दोस्तों ये आ गई है प्रिंट, और प्रिंट्स के रीडिंग समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो पहले का जो रीडिंग्स था जो रेड में दिख रहा था, ये रेड में था, अभी ये सारा ग्रीन में हो गया है। बिफोर एंड आफ्टर का ये आ गया है, ऐसा रिपोर्ट हम कस्टमर को दे देते हैं। अभी जो है टारगेट को निकाल के वापस रख देंगे उसकी जगह पे। तो दोस्तों अलाइनमेंट हो चुका है, अभी लेते हैं ट्रायल और चेक करते हैं कि अलाइनमेंट परफेक्ट हुआ या नहीं, कहीं लेफ्ट राइट पुल तो नहीं है, कि वापस कस्टमर को दिक्कत ना हो इसके लिए चेक कर लेना अच्छा होता है। वैसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट मशीन है, लेकिन आप अगर चेक कर लोगे कभी कुछ इशू होगा तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देखो कार को छोड़ दिया है, स्टीयरिंग एकदम स्ट्रेट है और गाड़ी भी सीधी जा रही है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अलाइनमेंट जो है ये परफेक्ट हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम ऐसी अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।